खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस, आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस, मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस, इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइस, इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइस, इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट। और गाइस, इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस, ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस, चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस, मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। वेडिंग पुलाव दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में है लेकिन इससे अनजान है। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं, तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहाँ वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज, वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज, चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़, इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइस जो आठवां सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइस जो इस मूवी का नौवां सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइस, चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस, चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइस, आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस, आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइस इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस, चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस, चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस, आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में।
तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइज़ इस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइज़ इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइज़ इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइज़ वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं ईरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ईरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में है लेकिन इससे अनजान है। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहाँ वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइज जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइज जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइज जो सातवां सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइज जो आठवां सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइज जो इस मूवी का नौवां सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइज चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइज चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइज़ इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइज़ इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइज़ इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइज़ वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने,
और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं ईरोज इंटरनेशनल और GR8 एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ईरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में है लेकिन इससे अनजान है। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहाँ वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइस जो आठवां सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइस जो इस मूवी का नौवां सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइस चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइस इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं ईरोज इंटरनेशनल और GR8 एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ईरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में है लेकिन इससे अनजान है। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहाँ वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित
नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइज जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइज जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइज जो सातवां सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइज जो आठवां सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइज जो इस मूवी का नौवां सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइज चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइज चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइज इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में है लेकिन इससे अनजान है। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं, तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहाँ वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइस जो आठवां सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइस जो इस मूवी का नौवां सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2।
तो गाइस चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइस इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में हैं लेकिन इससे अनजान हैं। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं, तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहाँ वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइस जो आठवां सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइस जो इस मूवी का नौवां सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइस चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइस इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइज इस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइज वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव, दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में हैं लेकिन इससे अनजान हैं। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहाँ वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइज जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइज जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइज जो सातवां सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइज जो आठवां सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइज जो इस मूवी का नौवां सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइज चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइज चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइज इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइज मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइज वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने,
और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव, दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है जो प्यार में हैं लेकिन इससे अनजान हैं। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहां वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइस जो आठवां सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइस जो इस मूवी का नौवां सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइस चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइस इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव, दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है जो प्यार में हैं लेकिन इससे अनजान हैं। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहाँ वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित
नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइज जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइज जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइज जो सातवां सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइज जो आठवां सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइज जो इस मूवी का नौवां सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइज चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइज चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइज इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइज मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में है लेकिन इससे अनजान है। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं, तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहाँ वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइज जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइज जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइज जो सातवां सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइज जो आठवां सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइज जो इस मूवी का नौवां सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2।
तो गाइस चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइस इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में हैं लेकिन इससे अनजान हैं। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहां वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज़ वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइस जो सातवा सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइस जो आठवा सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइस जो इस मूवी का नौवा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइस चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइस इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइज इस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइज वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में हैं लेकिन इससे अनजान हैं। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहां वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज़ वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइज जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइज जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइज जो सातवा सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइज जो आठवा सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइज जो इस मूवी का नौवा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइज चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइज चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइज इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइज मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने,
और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव, दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में हैं लेकिन इससे अनजान हैं। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहां वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज़ वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइस जो सातवा सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइस जो आठवा सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइस जो इस मूवी का नौवा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइस चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइस इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव, दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में हैं लेकिन इससे अनजान हैं। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं
तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहां वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज़ वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइस जो सातवा सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइस जो आठवा सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइस जो इस मूवी का नौवा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइस चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइस इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में हैं लेकिन इससे अनजान हैं। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहां वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज़ वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइस जो सातवा सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइस जो आठवा सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव,
और गाइस जो इस मूवी का 9वां सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का, वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइस चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइस इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में हैं लेकिन इससे अनजान हैं। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहां वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज़ वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइस जो सातवा सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइस जो आठवा सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइस जो इस मूवी का 9वां सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइस चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइस इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस, आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस, मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस, इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइस, इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइस, इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट। और गाइस, इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस, ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस, चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस, मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। वेडिंग पुलाव दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में हैं लेकिन इससे अनजान हैं। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहां वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज़, वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़, चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़, इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइस जो सातवा सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइस जो आठवा सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइस जो इस मूवी का नौवा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइस, चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस, चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइस, आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस, आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइस इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस, चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस, चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस, आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस, इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने,
और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव, दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में हैं लेकिन इससे अनजान हैं। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहां वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज़ वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइस जो सातवा सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइस जो आठवा सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइस जो इस मूवी का नौवा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइस चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइस इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव, दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में हैं लेकिन इससे अनजान हैं। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं
तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहां वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज़ वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइस जो आठवां सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइस जो इस मूवी का नौवां सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइस चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइस इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में हैं लेकिन इससे अनजान हैं। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं, तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहाँ वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज़ वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइस जो आठवां सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव,
और गाइस जो इस मूवी का 9वां सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का, वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइस चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइस इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइस इस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में हैं लेकिन इससे अनजान हैं। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहां वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज़ वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइस जो आठवां सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइस जो इस मूवी का 9वां सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइस चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइस इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस, आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस, मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस, इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइस, इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइस, इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट। और गाइस, इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस, ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस, चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस, मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव, दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में हैं लेकिन इससे अनजान हैं। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहां वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज़, वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़, चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़, इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइस जो आठवां सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइस जो इस मूवी का नौवां सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइस, चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस, चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइस, आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस, आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइस इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस, चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस, चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस, आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस, इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने,
और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव, दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में हैं लेकिन इससे अनजान हैं। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहां वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज़ वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइस जो आठवां सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइस जो इस मूवी का नौवां सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइस चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइस इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव, दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में हैं लेकिन इससे अनजान हैं। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं
तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहां वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज़ वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइज़ जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइज़ जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइज़ जो सातवां सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइज़ जो आठवां सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइज़ जो इस मूवी का नौवां सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइज़ चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइज़ चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइज़ इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में हैं लेकिन इससे अनजान हैं। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं, तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहां वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज़ वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइज़ जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइज़ जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइज़ जो सातवां सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइज़ जो आठवां सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव,
और गाइस जो इस मूवी का 9वां सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का, वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइस चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइस इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइस इस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में हैं लेकिन इससे अनजान हैं। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहां वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइस जो आठवां सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइस जो इस मूवी का 9वां सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइस चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइस इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में हैं लेकिन इससे अनजान हैं। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहां वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज़ वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइस जो आठवां सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइस जो इस मूवी का नौवां सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइस चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइस इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने,
और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में हैं लेकिन इससे अनजान हैं। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहां वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइस जो आठवां सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइस जो इस मूवी का नौवां सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइस चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइस इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइस इस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में हैं लेकिन इससे अनजान हैं। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं
तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहां वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज़ वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइस जो आठवां सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइस जो इस मूवी का नौवां सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइस चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइस इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइस इस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में है लेकिन इससे अनजान है। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं, तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहाँ वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज़ वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइस जो आठवां सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव,
और गाइस जो इस मूवी का 9वां सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का, वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइस चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइस इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइस इस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल सहा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में हैं लेकिन इससे अनजान हैं। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहां वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइस जो आठवां सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइस जो इस मूवी का 9वां सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइस चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइस इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेडिंग पुलाव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और गाइस मूवी की स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद प्रधान, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है शशि रंजन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिगंत, अनुष्का रंजन और सोनाली सहगल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोपाल साहा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सैयद समीर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए हैं वो दिए हैं सलीम सुलेमान ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइस वो दिया है रोहित आर कुलकर्णी ने। और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं इरोज इंटरनेशनल और GR8 इंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इरोज इंटरनेशनल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 16 अक्टूबर 2015 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, वेडिंग पुलाव दो सबसे अच्छे दोस्तों आदित्य उर्फ आदि और अनुष्का की कहानी को दर्शाता है, जो प्यार में है लेकिन इससे अनजान है। जब अनुष्का को आदि की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह प्यार भ्रम और बढ़ जाता है। एक तरफ आदि अनुष्का के बॉयफ्रेंड से जलते हैं तो दूसरी तरफ अनुष्का को आदि की दूसरी लड़की से शादी करना पसंद नहीं है, जिसकी वह शुरू में तारीफ करती है। कहानी फिर से एक चरण में जाती है जहां वे अपनी भावनाओं को जानते हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते कि आगे क्या करना है। तो गाइज़ वे आगे क्या करते हैं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओ जानिया वर्जन 1, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है पार्टी करनी है, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है वो है नसीबा, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क द पंगा, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है बंजारी, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस मूवी का लगन लागी, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है वो है नसीबा रिप्राइज वर्जन में, और गाइस जो आठवां सॉन्ग है वो है द वेडिंग पुलाव, और गाइस जो इस मूवी का नौवां सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओ जानिया का वर्जन 2। तो गाइस चलिए आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है, मतलब अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नहीं बोल सकते, पर इतनी खास नहीं है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। अगर आप गाइस इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इतनी ख़राब भी इस मूवी की स्टोरी नहीं है, सही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।